नाजरीन टीम लाइव वायर आ पहुंची पुंछ के कस्बा विलेज में। नाजरीन जहां पे 25 नवंबर को 2 किलोमीटर रोड की जो है ब्लैक टॉपिंग का काम स्टार्ट हुआ, आज 3 दिसंबर को उस रोड की खस्ता हालत हम आपको दिखा देंगे। इससे पहले कि हम कुछ एक डिटेल आपको इस रोड के बारे में, इस एरिया के बारे में बताएं, उससे पहले हम कुछ एक जो है लाइव आपको यहाँ की फुटेज दिखाते हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रोड का जो है सेंटर है, और अभी अभी हम आपको साथ में ये भी दिखाएंगे कि इसी रोड से कम 5-6 गांव की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहीं से चल के जो है जाती हैं, बॉर्डर एरिया है। और नाजरीन यहां पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सालों के बाद बड़ी खुशकिस्मती से इस रोड का जो काम जो था स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि ये है जो ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे हो चुकी है, और हम आपको हाथ से यहाँ की ब्लैक टॉपिंग जो है उखाड़ के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि 31 मार्च आ रही है, जिसके चलते बिल्स निकालने की जल्दी में, ताकि जो फंड है, जो पैसा आया है, उसको किसी न किसी तरह से वो बिलिंग पास करवाई जाए, उन बिल्स को निकाल के जो है अपने घरों के काम करवाए जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो है डिवेलपमेंट हो रही है, सिटीज़ की डेवलपमेंट म्यूनसिपल्टी के अंडर आती है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़े घोटाले करने को मिल रहे हैं। लेकिन गांव में, विलेज एरिया पे खास करके ध्यान दिया जाता है कि जो लोग बॉर्डर में रहते हैं खास करके, वहाँ पे वो किस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। यहाँ से सिटी हॉस्पिटल बहुत दूर है, बहुत मुश्किल से जो है बड़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी सालों के बाद इस रोड का काम जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की खस्ता हालत, नाजरीन उसी के साथ हम और आपको आगे दिखाते चलते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये है ब्लैक टॉपिंग, यहाँ का ये काम है। और 25 नवंबर को इस रोड का काम स्टार्ट हुआ ब्लैक टॉपिंग का, और आज 3 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि ये हो रही है डेवलपमेंट। ये है पुंछ की डेवलपमेंट, जहाँ पे कहा जाता है कि पुंछ एक पिछड़ा हुआ इलाका है, और ख़ास करके ये जो कस्बा और ये जो एक ख़ास तौर पे बॉर्डर एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये है यहाँ की ब्लैक टॉपिंग। हमने आपको लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए यहाँ पे, मौका पे आके इस रोड की जो है खस्ता हालत देखें, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया की रोड है। यहाँ पे हॉस्पिटल जो है उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है, बाकी इतनी ज़्यादा बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद रोगों को इस एरिया में डेवलपमेंट के नाम पे एक रोड ही मिली थी, और उसका भी ये हाल इन्होंने जो है किया। नाजरीन हमने आपको लाइव यहाँ की फुटेज दिखाई, अगर चैनल के माध्यम से और तमाम लोगों की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ DDC चेयरपर्सन और इस एरिया के जो DDC और BDC हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर मौका पर आए। इस एरिया की जितनी भी रोड्स निकल चुकी हैं, जिन पे ब्लैक टॉपिंग का काम हो चुका है या चल रहा है, वहाँ पे आके खुद उसको देखा जाए कि किस तरह डेवलपमेंट के नाम पे लोगों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। क्योंकि लोग यहाँ के बॉर्डर के लोग हैं, इतना अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर, उनको बस बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि अभी ये काम हो गया, 6 महीने के बाद फिर से नई फंडिंग आएगी, फिर इसी पे जो है काम दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। तो लोगों को इतना पता नहीं, और गरीब लोग हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो अपनी मेहनत मजदूरी करें या इस तरह के कामों को लेकर वो कॉन्ट्रैक्टर या जो बाकी इसके आला अधिकारी हैं उनके जो है उनके साथ लड़ें। नाजरीन हमारे साथ इसी एरिया के कुछ पेंच हजरात मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ पेंच जो हैं मोहम्मद फरीद अहमद जो हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि इस रोड के लिए इन्होंने कितना अरसा जो है इंतज़ार किया इस पे काम होने के लिए, क्योंकि ये रोड काफ़ी अरसे से निकली है। इस पे पहले एक बार जो है ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ था, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद जो है ये रोड दोबारा जो है रिपेयर करनी थी, और ये रिपेयर होने के बाद किस तरह की उम्मीदें थी इस रोड से, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया को जो है टच करती है। और अभी जो हालात हैं इस रोड के, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और रोड के हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पे आए और हमारे यहां के लोगों की फरियाद सुनी आपने। तो हम काफ़ी वक्त से इस रोड की डिमांड, जो एक्सिन साहब के पास भी कई बार हमारे डेपुटेशन गए कि इस रोड की खस्ता हालत थी, क्योंकि इससे दो रोडें कनेक्ट होकर कस्बा में जाती थी, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियाँ जो जाती थी मटीरियल लेके, उसकी वजह से ये रोड बह गई थी। तो एक्सन साहब ने हमें भरोसा दिया कि आपकी अच्छी रोड जो है वो बनेगी। तो उसके बाद 25 नवंबर से पहले यहाँ का जो मटेरियल डालना इन्होंने शुरू किया रोड के ऊपर, तो हमने इनको कहा कि अच्छा मटेरियल डालें ताकि बार बार ये परेशानी ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो PMGSY डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जो लुक डाली है वो आपने भी देखी, सिर्फ 2 दिन यहाँ पर लुक रुकी है, 2 दिन के बाद पूरी लुक जो है वो रोड से उठ चुकी है। तो आप बताएं, ये एक दूर दराज का एरिया है, यहाँ पर 2400 घंटे जो हमारी ट्रैफिक जो आमदोरफ्त वो चालू रहती है।
तो यहाँ पे एक तो हमारा हिली एरिया है, यहाँ पे काफ़ी डेंजरस रोड होती हैं, तो उसके बावजूद इन्होंने जो ठेकेदार ने यहाँ पे काम किया है, मैं नहीं समझता हूँ इसको कोई तसव्वुर करेगा। ऐसा काम, गंदा काम हमने आज तक नहीं देखा है। और यहाँ की आवाम बहुत गम और गुस्से में है कि देखो ठेकेदार ने यहाँ पे लुक डाल के अपना बिल निकालने की सिर्फ कोशिश की है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ से अपील करता हूँ कि ऐसे ठेकेदार का लाइसेंस जो है वो ठेकेदारी कार्ड जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि वो आइंदा बाकी जो ठेकेदार हैं वो अच्छा काम कर सकें। तो इस पे मैं डी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक टीम यहाँ पर बनाकर भेजें, तो जो रोड हमारी यहाँ से कस्बा से सीधा चौंतरा बंड सिटी में ये रोड जाती है, तो इसके ऊपर देखें कि बहुत खस्ता हालत है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी एक असासा जात हैं, ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट है, तो ऐसे ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और मौके पे आगम मौका करवाया जाए कि मौके पे इस रोड की कंडीशन क्या है। हमारे साथ एक और जो है इसी कस्बा एरिया के शौकत हुसैन जो है पंच मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि रोड के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी, रोड की बहुत हालत ख़राब है, अभी एक हफ्ता हुआ है इसको लुक डाली हुई, लेकिन लुक जो सारी है वो रोड से बाहर हो गई है। हम सब की यही मांग है कि जो ठेकेदार साहब ने ये किया है ये सरासर गलत है। जो फरीद साहब ने अभी आपको बताया है हम उसकी तायद करते हैं। लुक तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बाहर हो गई है, और सभी लोगों की यही मांग है कि रोड की बहुत खस्ता हालत है, इस ठेकेदार ने जो किया है जो गलत किया है, लिहाजा इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, हम मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजीन, आपने देखा कि किस तरह से जो ये पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी यही कहना है कि इस चीज़ को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इतने लंबे अरसे के बाद, इंतज़ार करने के बाद जो इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ, आपने देखा कि किस तरह वो एक हफ्ते के अंदर 25 नवंबर को काम स्टार्ट हुआ था और आज 3 दिसंबर है, हमने आपको सारी कवरेज उसकी दिखाई कि किस तरह से जो खस्ता हालत उस रोड की कर दी गई है। क्या ये अपने बिल निकालने के लिए लोगों की जो है काम जो है, ये जनता का पैसा है, जो जनता का हक है उनको मिलना चाहिए, उस चीज़ को किस तरह से बिल निकालने के लिए लोगों के साथ विश्वासघात और ये खिलवाड़ किया जाता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से कि इस चीज़ पे जो है बहुत कड़ा एक्शन लिया जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।